दोस्तों स्टूडियो में बात करेंगे सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, सुजलोन एनर्जी के रिलेटेड अभी के टाइम बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। देखो आपको पता है स्टॉक पिछले अराउंड 6 महीने से लगातार क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि ASM स्टेज 4 में कंटिन्यू यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है, जिससे साइड इफेक्ट ये कि तो स्टॉक की सर्किट लिमिट घट रही है, दूसरी ये कि कोई भी बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई या सेल नहीं कर सकता, इस वजह से हमें यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है। देखो ASM से अब की बार पूरी नकली मतलब पूरी बाहर निकलने की तैयारी है, क्योंकि कंटिन्यू दोस्तों 2 बार ASM में ये जा चुका है, 6 महीने से नजर आ रहा है। देखो ASM स्टेज से अभी के टाइम बड़ी खुशखबरी है, ASM स्टेज 3 में इसका ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट अभी का, एंड इसका इफेक्ट हमें कल मंडे को देखने को मिलेगा। एंड देखो मेन चीज ये रहेगी कि सर्किट फिल्टर कब चेंज होगा, कितने परसेंट का ASM मतलब या तो 3 में होगा या 2 में होगा या फर्स्ट में होगा, कौन से स्टेज में यहाँ पे सर्किट फिल्टर बदल जाएगा, जो कि टाइम 5 का है वो 10 का हो जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों मेन चीज देखिए, पिछले 5 दिन में देखोगे तो जब मार्केट गिरा था, मार्केट के अंदर गिरावट थी, उस टाइम दोस्तों ये एक हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा था, अराउंड 52 रुपए के आसपास था, वहां से गिरा एंड हमें दोस्तों लो दो दो एक लगातार देखो जो अपर सर्किट था वो लोअर सर्किट में तब्दील हुआ है, दो लोअर सर्किट के आसपास हमें नजर आए, बट प्लस पॉइंट ये है कि दोस्तों अभी के टाइम रिकवरी हमें कंटिन्यू नजर आ रही है, चांस ये है कि दोस्तों इस बार फिर से हमें 52 रुपए का लेवल टूटता हुआ देखने को मिलेगा, एंड अगेन स्टॉक हमें 55-58 का टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस। बात करें पिछले 1 महीने की तो कोई बड़ी रैली नहीं है, बट फिर भी देखें तो पॉजिटिव भाग रहा है, 42 पे चला गया था, 45 के आसपास से कंटिन्यू ब्रेकआउट देके रैली दिखा रहा है, 25% का गेन स्टॉक ने दिया है पिछले 6 मंथ में दोस्तों, 28% का रिटर्न है, कंटिन्यू देख लो आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो चार्ट पैटर्न थोड़े से मेरे को अभी के टाइम प्रॉफिट बुकिंग वाले नजर आ रहे हैं, कैसे, क्योंकि देखो अब की बार अगर यहाँ से मान के चलो लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो फिर भी तेजी बन जाएगी, बट पिछली बार अगर देखो कि रैली बनी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर यहाँ पे रैली बनाया प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पे रैली प्रॉफिट बुकिंग, बट यहाँ पे मेन चीज है कि अब की बार यहाँ पे जो कई देखो पिछले 1-2 महीने में देखोगे तो अराउंड 1 गीगावाट के आसपास कंपनी को ऑर्डर भी मिला, एंड मॉर्गन स्टेनली की तरफ से दोस्तों एक अच्छी खासा टारगेट भी देखने को मिला, तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। अब बात करूं मैं ASM स्टेज 4 की, तो देखो उससे पहले हम अगर डाटा देखें तो ये टाइम अपडेट्स, तो अपडेट देखो कुछ खास सुजलोन एनर्जी के रिलेटेड नहीं है, बट सुजलोन का महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको बता दूं मैं, इसको देखिए 22 जो अप्रैल था ना, उसको ASM स्टेज 4 में इसको ट्रांसफर किया गया था, ठीक है ना, 22 अप्रैल से स्टॉक को 7 जून को अगेन यहाँ पे जो है खाट मतलब यहाँ पे निकाल दिया गया, और जो आपका स्टेज 3 है इसमें ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये अच्छी चीज है स्टॉक के लिए कि भाई इसको ASM स्टेज 3 में वापस से डाला गया है। अब यहाँ पे मैं ये समझू क्या ASM से अगेन देखो ASM 3 में आ गया, अब 2 में आएगा, 2 से 1 में आ गया ना, तो फिर निकलने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे, बट अगर 2 से डायरेक्ट 4 में डाल दिया गया फिर से 3 महीने की निकल पड़ेगी, क्योंकि भाई 3 महीने में आपको पता है इसका रिव्यू होता है, तो रिव्यू अभी के टाइम हमें कल देखने को मिला, उस रिव्यू के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ASM स्टेज 3 में यह आ चुका है, तो ये अभी के टाइम में एक अच्छी पॉजिटिव अपडेट है ASM के रिलेटेड, क्योंकि NSE जो आपकी BSE है BSE की तरफ से ये पॉजिटिव अपडेट आई कि BSE ने इसको ASM स्टेज 4 में डाल रखा है। मेन पॉइंट मैं बताऊं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो ASM स्टेज 4 में होता है तब डिलीवरी 100% की रहती है, देख लीजिए यहाँ पे 100% की कितनी वॉल्यूम आए, चाहे 15 करोड़ चाहे 13 करोड़ की, यहाँ पे आपने देखा जब 5% का लोअर सर्किट लगा था इसमें 13 करोड़ की वॉल्यूम हमने देखी थी, बड़ी बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे नजर है, यहाँ पे 11 करोड़ की, यहाँ पे देख लो दोस्तों वही 3 करोड़ के आसपास की, तो बड़ी बड़ी वॉल्यूम हमें यहाँ पे नजर आई। अब इसमें एक चीज आप समझो दोस्तों कि देखो वॉल्यूम तो बड़ी आ रही है ना, बट यहाँ पे डिलीवरी आपकी कितनी 100%, अगर मान के चलो इसमें ये खरीदारी नहीं आते तो क्या यहाँ से अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते, बायर है भाई अभी के टाइम, एंड इस लेवल पे बाई करने का मतलब है क्योंकि बाउंड भी कहीं पे ट्रेड कर रहा है, ये जो भी आपके यहाँ पे 10-12 करोड़ 11 करोड़ 13 करोड़ की जो वॉल्यूम आई ना ये अराउंड 45+ पे देखने को मिली है, तो मतलब यहाँ पे ये कि जो भी के टाइम बड़ा प्लेयर खरीद रहा ना वो इस लेवल पे भी बाई करने को तैयार है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टाटा अभी के टाइम बहुत तगड़ा नजर आ रहा है, ब्लक डील्स की बात कर लो मैं कि हाल ही में कोई ब्लक डील हुई है या नहीं हुई है, टाटा एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों ब्लक डील के आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये नवंबर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिली थी, उसके बाद अभी के टाइम पे खास ब्लड डील हमें नजर नहीं आई है। मेन पॉइंट बात करूं मैं कि अपर सर्किट कब से लगे, देखिए मेन पॉइंट अभी के टाइम अगर बताऊं मैं तो मार्केट है, ठीक है ना, मार्केट मतलब यहाँ पे आपके इलेक्शन का डाटा जो चल रहा है, जो भी इलेक्शन के अपडेट्स चल रहे हैं, जो भी कुछ भी हो रहा है, वो एक तो आपके जो ग्रीन एनर्जी वाले शेयर है ना इसमें बहुत मतलब यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, वही बात करें स्टॉक की तो देखो 64 का RSI चल रहा है, RSI के अकॉर्डिंग बताऊं मैं तो पिछले 6 महीने से तो भाई कोई भी रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। अब मान के चलो कि जिसको भी कोई भी नहीं बाइंग करिए ना तो किसी भी आपको बाइंग करनी है ना,
कि आपको दोस्तों यहाँ पर आके जब ये भाग जाएगा तब आपको बाइंग करनी है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वहां पे जब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा ना तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग का डाटा देखने को मिलेगा। एंड मैं फिर से बता दूं कि देखो एसएमएस आ चुका है, अब चांस ये रहेगा कि थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेट कर ले यहाँ से। एंड ऐसा नहीं कि वो ताबड़तोड़ वाली रैली दिखेगी, वो चांस कम है। अब एक अगर 1 महीना मतलब 1 महीना तक अगर ये शांत रहेगा ना यहाँ पे, तो ए सेमेस्टर 4 से मतलब यहाँ पे जो 3 में आया इससे आराम से 1 में, 1 से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि ए सेमेस्टर 4 में कंटिन्यू रह रहा है। अगर इससे निकलेगा तो स्टॉक की सर्किट फिल्टर भी बदल जाएगा, उसी के साथ यहाँ पे जो बड़े प्लेयर उनकी खरीदारी वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, स्टॉक के अच्छा खासा बोल्डर हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी का टाइम बने रहेगा। एंड मंडे को चांस है कि स्टॉक दोस्तों 2-3-4% की रैली दिखा दे, क्योंकि पीएम मोदी कल शपथ लेंगे तो मार्केट पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वही रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर यहाँ पे बजट से पहले खरीदारी कर सकते हैं, बड़ा बाउंस हमें देखने